इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दीपावली से लेकर छठ महापर्व तक का आयोजन होना है। पर्व त्योहारों में भी आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखने का जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को यह निर्देश दिया गया है। इसको लेकर डीसी और एसएसपी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही दीपावली और छठ पर्व को लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए। आगामी अभी दीपावली, काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्योहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहां भी काली पूजा के जो जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहां पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, और साथ ही साथ पंडालों में भी सफाई हो और वहां पे जो डिज्नीलैंड और मेला लगते हैं उसकी भी समय समय पे साफ सफाई हो, उन चीजों को करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। एक तो है कि हर एक इम्पोर्टेंट घाट पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो छठ कमेटी की जिम्मेवारी और सरकारी प्राधिकारी जिम्मेवारी तय की है, कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वो साज सज्जा के अतिरिक्त जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उस पर भी थोड़ा वो खर्च करे ताकि उनकी स्थानीय व्यवस्था दुरुस्त रहे। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लिमिटेड नंबर में है, पर हम लोगों ने इस बार स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि एक घाट पे बड़ी टीम के बजाय हम लोग छोटी छोटी टीम में बांटे, क्योंकि यूजुअली जो घटनाएं होती है वो आइसोलेशन में होती है। ट्रैफिक जो है वो उस समय कोई मालवाहक वाहन छठ घाट के समय में न आए, इसके लिए बैरिकेड्स किया जाएगा ताकि उसमें कोई रोड एक्सीडेंट्स न हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।